नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, कंगना रनौत को थप्पड़ लगने के बाद भी कंगना रनौत ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, गलत बयानबाजी की है जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ पब्लिक फिगर नहीं है, एक सेलिब्रिटी ही नहीं है, बल्कि वो सांसद चुनकर आई हैं और वो सरकार का हिस्सा है। ऐसे में उनका ऐसा बोलना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको गैर जिम्मेदार ही कहा जाएगा। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक तरीके का आतंकी हमला उन पर हुआ है। क्या थप्पड़ मारना या थप्पड़ लगना, क्या ये आतंकी घटना है? और अगर थप्पड़ आतंकी घटना है तो हमारे देश में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं रोज होती हैं। आप कंगना रनौत का पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो सुना आपने, कंगना रनौत बोल रही हैं कि पंजाब में आतंकवाद उग्रवाद बढ़ रहा है और हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। आप बताइए, क्या पंजाब में इस वक्त आतंकवाद है? क्या पंजाब में इस वक्त उग्रवाद है और ये बढ़ रहा है? वो एक दौर था जब ऐसा था पंजाब में, वो दौर बीत गया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या बीजेपी के नेता ऐसा बोलेंगे और हम दूर नहीं जाते? क्या बीजेपी के पंजाब के नेता ऐसा बोलेंगे कि पंजाब में इस वक्त आतंकवाद है, उग्रवाद है जो बढ़ रहा है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं पंजाब के, क्या वो ऐसा कहेंगे कि पंजाब में आतंकवाद उग्रवाद है? क्या सुनील जाखड़ ऐसा बोलेंगे? तो फिर कंगना रनौत क्यों बोल रही है जब ऐसा कुछ है नहीं पंजाब में? तो वो ऐसा क्यों बोल रही है कि पंजाब में आतंकवाद उग्रवाद बढ़ रहा है? इस वक्त वो सांसद चुनकर आई हैं, और जो पब्लिक फिगर होता है ना, जो सेलिब्रिटी होता है, उनकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द, मतलब उसकी वैल्यू होती है। अगर वो शब्द सही है तो उनको वाहवाही मिलती है, लोग तालियां बजाते हैं। जब वो पब्लिक डोमेन में जाकर बात करते हैं, खासकर तब। लेकिन अगर कोई गलत शब्द उनकी जुबान से निकलता है तो फिर उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ सकती है, जिससे उनको ट्रोल किया जा सकता है, जिससे सोशल मीडिया पर हो सकता है पता नहीं क्या कुछ उनके बारे में बोला जा सकता है, और पब्लिक में गुस्सा भी देखने को मिल सकता है, जैसा यहां पर हुआ, जैसा एयरपोर्ट पर हुआ। अब एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक कर्मचारी कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, और उसकी वजह भी उसने बताई। क्या बताई, सुनिए एक बार फिर। सुना आपने, थप्पड़ क्यों कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को मारा? जो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कंगना रनौत ने क्या कुछ बोला था, एक महिला किसान, एक बुजुर्ग महिला किसान के बारे में जो टिप्पणी की थी, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट की थी। ये पोस्ट देख लीजिएगा कि क्या पोस्ट की थी, कि 100 रुपए में ऐसी लेडी आ जाती है, ये कुछ कहा था, ऐसी दादी जो मिल जाती है, जिसके बारे में कुलविंदर कौर के मन में गुस्सा था। और कुलविंदर कौर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया। अब ऐसी पहले भी नेताओं के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में कई नेताओं के थप्पड़, जब वो पब्लिक में जाते हैं, रोड शो कर रहे होते हैं या कई जनसभा में हैं, तो कई नेताओं को थप्पड़ पहले लग चुका है, किसी नेता पर चप्पल भी फेंकी गई होगी। लेकिन ज्यादातर घटनाओं में, मतलब ऐसा करने वालों को माफ कर दिया जाता है। यहां पर भी कंगना अगर इस पूरे मामले को टाल देती, माफ कर देती, तो उनकी बड़ाई होती, लोग कहते कि हां ठीक किया। लेकिन उसके बाद ये रिएक्शन आना, ऐसा रिएक्ट करना कि पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, क्या यह सही है? और इस घटना के बाद एक मीडिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि जो बॉलीवुड में चुप्पी है, यानी बॉलीवुड वाले ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कंगना ने उनको कहा है कि ये जो टेरर अटैक उन पर हुआ है, इस पर जो आप साइलेंट हैं,
कभी आपके साथ आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो फिर क्या? तो मतलब कंगना ने एक तरीके से इसको टेरर अटैक बताया है, आतंकी हमला बताया है। तभी मैं कह रहा हूं कि क्या ये थप्पड़ एक आतंकी हमला है और क्या पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है? हां, अपराध है और अपराध तकरीबन हर स्टेट में है, वो ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अपराध अलग श्रेणी में आता है और आतंकवाद और उग्रवाद ये महज एक शब्द नहीं है। सो ऐसा कहना क्या ये उचित है कंगना की ओर से? दूसरा, कंगना की ओर से ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान कंगना की ओर से दिए गए हैं जिससे वो कंट्रोवर्सी में रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं। यानी बॉलीवुड में अपने कई साथी कलाकारों के बारे में भी ऐसी कई टिप्पणियां कंगना रनौत की ओर से की गई हैं। और अभी कुछ समय पहले ही कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा। यानी कंगना रनौत के मुताबिक जो 1947 में हमें आजादी मिली थी वो असली आजादी नहीं थी, वो तो भीख में मिली हुई आजादी थी। असली आजादी तो 2014 में मिली है, यानी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ये कंगना की ओर से कहा गया है। क्या ऐसा है? क्या हमें 2014 में असली आजादी मिली है? सो इस बयान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस CISF कर्मचारी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जांच चल रही है। और किस बाबत उन्होंने गुस्सा निकाला वो उन्होंने बताया, यानी किसान आंदोलन के दौरान जो कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, किसान नेता भी काफी कुछ बोले थे और पंजाबी इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटी ने भी कंगना रनौत को बहुत बुरा भला उस वक्त कहा जा, और पंजाबी इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने भी कंगना रनौत को उस वक्त जवाब दिया था। दिलजीत दोसांझ ने भी जवाब दिया था, और दिलजीत दोसांझ इस वक्त हमारे देश के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। यानी वो इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इस वक्त शायद बहुत ज्यादा करोड़ों में वो देश को टैक्स के रूप में पैसा भी दे रहे होंगे। शायद कंगना रनौत से भी ज्यादा टैक्स के रूप में वो इस वक्त पैसा दे रहे होंगे। उन्होंने भी उस वक्त कंगना रनौत को जो उन्होंने बोला था उसका जवाब दिया था। अब एक बार फिर जो कंगना रनौत ने पंजाब के बारे में बोला है या कल वाली घटना को लेकर जो बोला है उसको लेकर कंगना रनौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक नई चुनकर आई सांसद की ओर से ऐसा बोलना कहां तक सही है। आप लोग जरूर हमें बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है। आप कल से ही इस घटना को देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है इस घटना की। आपकी राय क्या है आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला मसला आप देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।